नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं बदरपुर क्षेत्र में चल रहे महासंग्राम। बदरपुर क्षेत्र के विधायक ने आरोप लगाया है कि उन्हें पूर्व विधायक काम करने नहीं देते। खड्डा कॉलोनी जैसे क्षेत्र में इन 21 सालों में उन नेताओं ने सिर्फ झूठ का नारियल फोड़ा था, एक स्कूल नहीं बना पाए वो, आज वह स्कूल बन रहा है। अर्पण का नाला आपने देखा होगा जिसको आली ड्रेन कहते हैं, 30 या 40 साल या 50 साल पुराना नाला था, हमेशा कूड़े में आग लगी रहती थी, लोगों के घरों में पोल्यूशन धुआं जाता था। आज 2.5 साल में वो 3.5 किलोमीटर की दीवार 14 फुट नीचे से पिलर जाके वो दीवार बन रही है, क्या वो दिखाई नहीं दे रही उन नेताओं को? 2200 गज के अंदर एक बरात घर बन रहा है, मोड़बंद के अंदर बुस्टर बन रहा है जो 21 साल से डिमांड थी, टेलेरिया के अंदर पानी की दिक्कत थी, गुड़गावा कनाल लहर के साथ में एक नाला बना रहा हूं जिसके लिए रामवीर बिदूड़ी ने रात दिन एक करके रुकवाने की कोशिश कर ली, मीठापुर चौक पे गोल चक्कर बनाया है जिसके लिए लखनऊ में मुकदमा दर्ज है एमएलए के खिलाफ, उस नाले को बनाने के लिए इस जनता के लिए हरियाणा में मुकदमा दर्ज है, हर जगह। मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब 21 साल तक आप पक्ष और विपक्ष में रहे, 3-3 बार आपको यहाँ की जनता ने चुना है, अरे जब आप नहीं कर पाए उस कामों को, अगर मैं कर रहा हूं, जब चुनाव होगा जब देख लेना, अब कम से कम आराम से बैठ के मालिश कर, अपने स्वास्थ्य ठीक रख, क्योंकि आगे चुनाव में लड़ना है तेने, क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट कर, आप मुझे काम करने दे, अगर मैं काम ना करूं तो विरोध करिए इन कामों में। जिस दिन मैं उस गोल चक्कर को बना रहा उस दिन तुम लखनऊ तक भेज रहे हो अपने लोगों को, मेरी कंप्लेंट करा रहे हो, लोहिया पुल मैंने बना दिया उसमें आपने जाके हाईकोर्ट में वो लगा दिया, ये कभी भी गिर सकता है, अगर ये कभी भी गिर सकता है जिस पे से रेल निकलती है ना तुम्हारे मोदी जी की लाल किले के पीछे से, वो भी कभी भी गिर सकता है, उसकी भी 40 साल पहले मियाद खत्म हो गई है। आज अगर इन गरीब लोगों ने तुझे वोट नहीं दिया, बाहर का कोई आदमी है एमएलए बन गया तो पेट में दर्द हो रहा है। और इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जब पूर्व विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी से जानने की कोशिश की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ना मैं एमएलए हूं, ना मैं पार्षद हूं और ना ही किसी सरकारी पद पर हूं, तो मैं काम रोकने वाला कौन होता हूं, मैं कैसे काम रोक सकता हूं, मेरे पास कौन सा अधिकार है? अगर वो ये कहते हैं कि मुझे वो काम नहीं करने दे रहे तो इसका मतलब तुमने कोई काम नहीं किया और मैंने सब रोक दिया, तो फिर आपको विधायक की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को फिर चुनाव हो जाएगा तो हम जिता के उनको हम विधानसभा में भेज देंगे, फिर अगर यह काम नहीं कर सकता है तो हम, हमारी पार्टी का उम्मीदवार जब वहां से चुनाव जीतेगा तो जो शिकायत आज क्षेत्र में लोगों की है, चाहे वो तोड़फोड़ की हो, चाहे विकास के कार्य बंद पड़े हों, आप मुझे बताइए, अब एक टंकी वाली रोड मीठापुर चौक से जो टंकी वाली रोड है ये कभी मैंने बनाई थी जी। इसमें मैंने 5 फुट गहरे इसके दोनों तरफ नाले बनाए थे पानी की निकासी के लिए, उन दोनों नालों में कोई खराबी नहीं थी। ये मैंने सड़क बनाने के ऊपर और नालों के निर्माण पर केवल 1,28,00,000 रुपया खर्च किया था और अब ये केवल दो नालों की मरम्मत के ऊपर इन्होंने पर्चा निकाला है 3,79,00,000 रुपया खर्च कर रहे हैं और 2 साल हो गए। उस रोड के ऊपर सैकड़ों दुकानदार भाई थे, आज उनकी दुकानें बंद हो गई, आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं वो बेचारे गिर जाते हैं, उनकी वो कीचड़ में फंस जाते हैं। आज जो लोग वहां से गुजरते हैं, बाइक वाले, स्कूटर वाले, पैदल चलने वाले, आज जब वो निकलते हैं ना, जो हालत उन्होंने टंकी के रोड की कर दी है, तो अभी में जो नगर निगम का चुनाव हुआ था नहर पार की 3 सीटों पर इनके उम्मीदवार बुरी तरह से इसलिए हार गए कि ये कहीं कोई एक नए पैसे का विकास कार्य शुरू कर नहीं पाए, अगर एक कार्य कोई शुरू किया तो वो भी 2 साल से, उस रोड की क्या इन्होंने हालत बना दी है, तो लोग इनको बहुत बददुआएं देते। नरेंद्र शर्मा जी, आरोप लगाना बंद करो, दिल्ली में आपकी सरकार है, आप MLA हैं, आप चेयरमैन हैं। मैं 3 बार विधायक रहा, मेरी कभी दिल्ली में सरकार नहीं थी। जब मैं पहली बार विधायक बना तो बीजेपी की सरकार थी, मैं जब दूसरी बार विधायक बना तो कांग्रेस की सरकार थी, मैं तीसरी बार विधायक बना तो केजरीवाल साहब की सरकार थी। मुझे तो कभी, मेरी तो पार्टी की सरकार भी कभी नहीं थी,
मैं बगैर सरकार के, मैंने इस इलाके की सेवा करके अपने चार चार वार्ड भी जीते, पांच पांच वार्ड भी जीते हैं, मैंने बेस्ट एमएलए की मुझे उपाधि भी लोगों ने दी है, और मैंने जो क्षेत्र नरक बना हुआ था जहां एक भी सीमेंटेड सड़कें नहीं थी, मैंने कम से कम छोटी बड़ी 8-10 हजार गलियों को मैंने सीमेंटेड भी किया है। आज यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो परेशानी आज विधायक दिखाते हैं कि पुलिस हमारे अंदर नहीं आती है या और अधिकारी हमारे अंदर में नहीं आते हैं, वो परेशानी आपके समय में भी थी। आप मुझे बताइए, जब मैं विधायक बना तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्या पुलिस मेरे अधीन थी? क्या क्षेत्र में कोई तोड़फोड़ हो पाई? आप मुझे बताइए। अभी मैं 2013 में जब विधायक बना तो दिल्ली के अंदर उस समय केजरीवाल साहब की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई मोदी साहब की। चुनाव जो हुए थे वो नवंबर 2013 में हुए थे और मोदी साहब उसके 7 महीने के बाद उनकी पार्टी की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है। आप मुझे बताइए, क्या मेरे अधीन पुलिस थी? ये बात भी जायज है, जिनको काम करना आता होगा, काम कराना आता होगा, वो वहां के विधायक बने ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। उस क्षेत्र में लगातार तोड़फोड़ हो रहे हैं, अवैध निर्माण के खिलाफ एक मुहिम चला हुआ है। इसको लेकर नारायण दत्त शर्मा जी ने आरोप लगाया कि पूर्व एमएलए द्वारा ये सारे तोड़फोड़ कराए जा रहे हैं। तोड़फोड़ एमसीडी करती है, तोड़फोड़ आपके काउंसलर कराते हैं, नाम आप एसडीएम का लगाते हो, नाम आप एसटीएफ का लगाते हो। मैं कह रहा हूं अगर एसटीएफ भी तोड़ रही है तो नारायण शर्मा विरोध करेगा, एमसीडी भी तोड़ रही है नारायण शर्मा विरोध करेगा, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तुम भी आ जाओ विरोध करने के लिए। जबकि पूर्व एमएलए रामवीर सिंह बिधोड़ी का कहना है कि मैं किसी एसटीएफ के मेंबर में नहीं हूं, जबकि दिल्ली सरकार के एसटीएफ के चेयरमैन हैं, एसटीएफ के जो निगरानी करते हैं, जो एफआईआर दर्ज करने की जिनको पावर है वो एसडीएम है, और भी जो एसटीएफ के 6 मेंबर हैं उनमें से 4 मेंबर दिल्ली सरकार के हैं जो एमएलए के अधीन आते हैं वो हैं, जबकि मात्र 1 मेंबर जो हैं वो एमसीडी के हैं और 1 मेंबर दिल्ली पुलिस के हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर एमएलए चाहे तो इन सारे अधिकारियों पर दबाव डाल के और तोड़फोड़ रुकवा सकता है, लेकिन एमएलए ऐसा करना नहीं चाहता, खामखा दिखावा करना चाहता है, घरियाली आंसू रोना चाहता है। ये एक आरटीआई हमने लगाई और हमने ये एसडीएम के ऑफिस से एसडीएम ने रिप्लाई दिया है, हमने उसे पूछा कि जो एसटीएफ तोड़फोड़ कर रही है इसका गठन कब हुआ? इन्होंने रिप्लाई दिया हमें 21 अक्टूबर 2016 को। विधायक कौन है? रामवीर सिंह भिथोड़ी तो नहीं है, श्री नरेंद्र शर्मा है। इसके चेयरमैन कौन है? वो डीएम है। डीएम किसके अधीन है? श्री नरेंद्र शर्मा जी की सरकार के अधीन है। उसके मेंबर एसडीएम साहब है। एसडीएम साहब किसके अधीन है? उनके उनकी सरकार के अधीन है। इसमें अपने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और बीडीओ हैं दिल्ली सरकार के, और इस कमेटी में जो दिल्ली सरकार ने बनाई है उसमें पुलिस के अधिकारी भी मेंबर है, उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी मेंबर है, उसमें डीडी भी मेंबर है। कमेटी बनाई है, एमसीडी भी दिल्ली सरकार के अधीन ही अधीन है, तो कमेटी इन्होंने बनवाई है एसटीएफ, और एसटीएफ बनने के बाद जो क्षेत्र में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है, तोड़फोड़ के दो ही कारण है, एक तो इन्होंने एसटीएफ बनवा दी नरेंद्र शर्मा जी ने, और दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो लोग बेचारे गरीब लोग छोटा छोटा अपना मकान बनाते हैं 25-50 गज का मकान बनाते, उनकी लिखित में शिकायत करनी शुरू कर दी। अब ये आरोप लगाते हैं रामवीर सिंह भिथोड़ी के ऊपर, तो मैंने कहा कि मैं तो आज एमएलए नहीं, एमपी नहीं, काउंसलर नहीं, दिल्ली में मेरी सरकार नहीं, तो मैं नरेंद्र शर्मा जी सुने गौर से, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मैं बताऊं कि कारवां क्यों लुटा, तेरा था रहजनों से वास्ता, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर मलाल है। तुम ये जो बहाना कर रहे हो ना, इलाका बर्बाद हो गया उसके लिए वो जिम्मेवार है, उसके लिए ये जिम्मेवार है, इलाके के विधायक आप हैं, इलाके के मालिक आप हैं, दिल्ली में आपकी पार्टी की सरकार है,
और यदि लोगों के मकान टूटेंगे, क्षेत्र में डीटीसी की बसें बंद होंगी, क्षेत्र में अगर लोगों को गंगा जल नहीं मिलेगा, क्षेत्र में अगर जो बड़े नाले हैं जिनकी सफाई आपकी सरकार को करनी, जिसके लिए आपको 3 करोड़ रुपया मिला है, आप सफाई नहीं करवा पाएंगे, तो इसके लिए आप किसी और को दोष देंगे, तो हमारे क्षेत्र के लोग जो है ना वो बहुत बुद्धिमान है, ये आरोप लगा के वो खुश हो रहा है। किसको खुश कर रहा है वो? उसको लोग कहते हैं कि ये विधायक जो है ना ये पगला गया है। कोई कहता है ये अभी तो इसकी उम्र 60 साल से कम है, जब 60 साल से ज्यादा उम्र हो जाती है ना तो कभी कह देते हैं कि भाई ये जरा थोड़ा इनकी जो बुद्धि है वो मंद पड़ गई है। ये तो अभी इनके केवल सर के बाल उड़े हैं, वैसे तो अभी उम्र तो उनकी ठीक ठाक है। आप ये बताइए आज की तारीख में विधायक कौन है, एसटीएफ किसने बनवाई है, और उनके खिलाफ भी जो एफआईआर हुई है ना, आप ये देखिए एफआईआर करने की पावर किसको है, ये लिखा है इनकी पावर क्या क्या होंगी, ये एसडीएम साहब ने बताया है, दिल्ली सरकार के एसडीएम ने, ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर फॉर वायलेशन ऑफ लॉ अंडर रिलेवेंट ऑफ आईपीसी एंड अदर लॉज एज एप्लीकेबल। उस एसटीएफ को एफआईआर दर्ज करवाने का अधिकार आप देते हो, और फिर आप नाटक करने के लिए जाते हो, तोड़फोड़ हो रही है, दुकान तोड़ दी, मकान तोड़ दिए, मकान सील हो गए, फिर ये नाटक करते हैं। नरेंद्र जी नाटक बंद करो, लोग अपने विधायक से चाहते हैं कि हमारे विधायक के होते हुए किसी तरह का नुकसान शासन प्रशासन की ओर से हमें ना हो, अगर आप उनको नुकसान से बचा पाओगे तो आप अमर हो जाओगे, अगर आप नुकसान भी कराओगे, उनके खिलाफ चिट्ठी भी लिखोगे, एसटीएफ भी बनवाओगे, और फिर आप घड़ियाली आंसू बहाओगे, तो ये क्षेत्र के लोग, कोई 500 मील से आया, कोई 1000 मील से आया है, खाली हाथ आए थे। आज मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिस घर में वो रह रहा है कम से कम 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का मकान होगा, वो बुद्धि रखते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान अच्छे से करते हैं, वो समझते हैं कि ये आदमी जिसके पास सारे अधिकार है, जिनकी दिल्ली में सरकार है, वो हमें बचा नहीं पा रहा और नाटक कर रहा है। नारायण दास शर्मा जी बता दे, जिस नहर पार की वो बात कर रहे हैं, मकानों में तोड़फोड़ हो रही है, दुकानों में तोड़फोड़ हो रही है, आप जाइए घर घर जाके पूछिए, अगर मेरे समय में किसी का नुकसान हुआ है तो मैं ब्याज सहित उस नुकसान की भरपाई करूंगा। आपके चैनल पे बोल रहा हूं ना, इसको लोग सुनेंगे। बदरपुर के नहर पार इलाके में जॉन ओ लगाया गया है, इसको लेकर विधायक नारायण दत्त शर्मा ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक के समय में ही ये ओजोन लगा था और मैं तो उसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिप्टी चेयरमैन सिर्फ पट्टी लगाने से कमरे के आगे नहीं बनता, जनता के लिए लड़ना पड़ता है। एमएलए जनता ने जिता दिया, मैं भी 5 साल आराम से बैठ सकता हूँ, मुझे क्या मतलब है, मैं जाके लोगों के लिए मुकदमे अपने ऊपर दर्ज कराऊं, है जी। मेरा काम स्कूल बनाना, रोड बनाना, बिजली देना, पानी देना, ये काम है मेरा। मेरा काम ये नहीं है मैं रोज अपने ऊपर मुकदमे दर्ज कराऊं, मैं रोज लड़ूं, लेकिन मैं कर रहा हूं जी। मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस जनता ने चुना है उनकी वोट तो ऑथराइज होगी उसमें, कॉलोनी में, है जी। काउंसलरों को दी तो भी वोट ऑथराइज है, एमपी को वोट दी तो भी ऑथराइज है, नरेंद्र शर्मा को वोट दी तो भी ऑथराइज है, यानी कि वोट ऑथराइज है, उनकी जरूरत तो नेता ने, कॉलोनी और मकान अनऑथराइज है, वो कैसे चलेगा जी। इसी योजन में जैतपुर का थाना बनेगा जी, अब 4 मंजिल का 3 मंजिल का जो भी बनेगा वो ओजोन में बनेगा जी। इसी ओजोन में जमुना की तलेड़ी में बटलाउस जाकर नगर साइनबाग बसा पड़ा है जी। इसी जमुना की तलेटी में एक सुपर इनोवा 80 माले की इमारत बन रही है जी। इसी ओजोन में कुछ भूमाफिया रामवीर सिंह के गुर्गे प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसी ओजोन में कुछ लोगों के फार्म हाउस बने पड़े। इसी ओजोन में कुछ लोगों की बैंकें खुल रही हैं। इसी ओजोन में कुछ लोगों की 1-1 हजार गज की कोठियां हैं जो कि पार्षद हैं। इसी ओजोन में कुछ लोगों की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चल रही है, खुलेआम एनजीटी का उल्लंघन है। इसी ओजोन में कुछ लोगों की रंगाई की, कुछ लोगों की शीशे की, कुछ लोगों की एक्सपोर्ट की फैक्ट्री चल रही है, उनकी तो फैक्ट्री बन जाती है। इस ओजोन में एक गरीब आदमी 100 गज का मकान बनाता है तो नरेंद्र शर्मा के पास आके रोता है, जी मेरे मकान को तोड़ा जा रहा है, मुझसे 80 हजार रुपया मांगा जा रहा है, मुझ पे देने के लिए नहीं है। तो बताइए नरेंद्र शर्मा, रेगुलाइज करने के लिए हमारी सरकार ने जो भी पेपर वर्क करना था पूरा कर दिया है, लास्ट बॉल एलजी के
उसमें होती है, हर चीज का अप्रूवल। अगर हमको गेस्ट टीचरों की भर्ती करनी होती है उसका अप्रूवल भी हमको एलजी से लेना होता है, मुझे कोई लैंड लेके स्कूल बनाना, सब चीजों का अप्रूवल उससे लेना पड़ता है। अगर बॉस दिल्ली का एलजी साहब हैं, हमारी तरफ से हम हर कॉलोनी को रेगुलराइज, मेरे क्षेत्र में ऐसी कोई, मैं हर कॉलोनी पर सीएम साहब से बात कर चुका हूं, मैं हर कॉलोनी में सरकारी फंड से काम कर रहा हूं, चाहे खड्डा कॉलोनी हो, चाहे अर्पण बिहार हो, चाहे शक्ति बिहार हो, चाहे लखपत कॉलोनी हो, टोटल जो जिसको ये अनौतराज कहते हैं, जिसको ये नॉट रेगुलर राज कहते हैं कि रेगुलर राज नहीं है, वहां मैं सरकारी फंड से स्कूल बना रहा हूं, वहां सरकारी फंड से मोहल्ला क्लिनिक बना रहा हूं, वहां सरकारी फंड से पानी और बिजली और रोड की जैसी सुविधाएं दे रहा हूं, तो मेरी सरकार का तो काम खत्म हो गया ना जी। मेरी सरकार ने तो कर दिया जो काम करना भाई। रेगुलर होने का मतलब क्या होता है? उनको जन सुविधाएं मिलना, सरकारी पैसा मिलना, यही तो काम होता है। अनौत राज में रेगुलर में क्या फर्क है? जो रेगुलराइज होती है जो कॉलोनी, उसके अंदर सरकारी फंड लगता है, सरकारी जन व्यवस्थाएं होती है, तो वो मैं दे रहा हूं ना जी। वो खड्डा कॉलोनी जमुना की बिल्कुल तलहटी में बांध के नीचे मैं वहां बना रहा हूं, वहां स्कूल बना रहा हूं। अगर सरकार की कमी निकालने के लिए उनके पास क्या है? जब ये तो है कि मैं ये कहूं जी ये अनौतराज कॉलोनी है, या मेरा फंड नहीं लग सकता, जब तो मेरी कमी है ना जी। इस कॉलोनी के लोगों ने मुझे वोट दिया है ना जी, तो मैं वो काम कर रहा हूं। तुम कहते हो जी या मैं सफाई नहीं करवा सकता, मैं तो ये अनऑथराइज कॉलोनी है, रेगुलराइज नहीं है, विधायक करवाए सफाई। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पे विधायक ने हमें नहीं दिया है, दिल्ली सरकार ने कर्मचारी नहीं दिया और हमारे पास लिमिटेड कर्मचारी है। नहीं, फिर किस चीज की एमसीडी? अगर सब चीज हमसे ही लेनी है आपने, फिर तुम किस चीज के पार्षद हो जी बताइए? हम दिल्ली को चला रहे हैं, हमें ऊपर से क्या मिलता है जी? एमसीडी के पास सारी चीजें हैं। एमसीडी आपको जो हम लॉ बना रखा है पहले से, जो संविधान ने बना के दिया है, उस पर दिल्ली सरकार आपको जो पैसा चाहिए वो दे रही है दिल्ली सरकार। अब काम नहीं करना और दूसरे पे थोप देना, ये तो पुरानी आदत रही है इन लोगों की। इन सब के बावजूद भी क्षेत्र में विकास हुए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। बदरपुर क्या था और आज क्या है, इस विकास कार्य को काफी हद तक पूर्व विधायक ने करवाया, इसमें कोई संदेह नहीं, और वर्तमान विधायक ने भी बहुत सारे विकास कार्य करवाए, इसमें भी कोई संदेह नहीं। आरोप प्रत्यारोप दोनों लगा रहे हैं, लेकिन किसने क्या काम किया इसके बारे में हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने दोनों से ही सवाल किए और उनका क्या जवाब आया, आइए देख। विधायक जी का जो राजनीति में जो तजुर्बा है वो मुश्किल से 5-7 साल का होगा, श्री शुक्ला जी का जो तजर्बा वो 30 साल का है। ये तो 4 काउंसलर्स के ऊपर विधायक हैं, वो 26 काउंसलर्स के ऊपर डिप्टी चेयरमैन है। आपने पूछा तो हमारे निगम पार्षद और हमारे डिप्टी चेयरमैन ने जवाब दिया है। अब आप मुझे बताइए, एक होर्डिंग लगा हुआ है क्षेत्र में और मुझे भी किसी ने भेजा, वो मेरे व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा है कि हम श्री नरेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने टंकी वाली रोड, मूलबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोड, जैतपुर रोड, पता नहीं कौन कौन सी रोडों का निर्माण करा दिया। अब आप मुझे बताइए, वो हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मान लेंगे, तो ये मुझे लगता है कि हिटलर के पचनों पर चल रहे हैं नरेंद्र जी। आज हिटलर का कोई नाम लेता है? नरेंद्र जी, विकास के काम करो। जो चुनाव से पहले जो कमिटमेंट आप और आपकी पार्टी ने दिल्ली के लोगों से की है, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से की है, आप उसको पूरा करो। आपने वायदा किया था कि मुझे चुन के भेजो, मैं 2 महीने के अंदर ओजोन खत्म करा दूंगा। 3 साल हो गए आपको, दिल्ली में आपकी सरकार है, उसकी रिकमेंडेशन पे ओजोन खत्म होगा। एक भी वायदा वो पूरा कर पाए हों, ओजोन हटवा पाए हों, गरीबों के जो मकान टूटे हों उनको बचा पाए हों, इस इलाके में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार लगभग 70-75% गरीब लोगों के लिए 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल की व्यवस्था करती है। आप मालूम करो इलाके में जाके सारे राशन दुकानदारों से मंथली कितना इनको मिलता है, और लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, राशन दुकान में आता नहीं, बाहर के बाहर ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। नरेंद्र जी से पूछो कि तुम्हारी मिली भगत है कि नहीं है, ये जो करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेवार है। अरे मैं आपको लानत भेजना चाहता हूं कि जिस गरीब के लिए मोदी साहब 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो भेज रहे हैं, उसको भी तुम
दुकानदार के साथ मिलकर बैक मार्केट में उसको बेचकर तुम हर महीने तुम कई लाख रुपए कमा रहे हो। जानना चाहता हूं कि बदरपुर में आपके द्वारा कौन कौन से काम हैं जो अब तक किए गए हैं। सबसे पहले तो बदरपुर के अंदर, बदरपुर को जाम से जाना जाता था जब मैं जीता था, आप लोग सब लोग जानते हो, दो दो घंटे तक जैतपुर मोड़ पर जाम लगता था, मीठापुर चौक पर जाम लगता था। एक कनेक्टिविटी थी जो ओखला और कालंदी कुंज को जोड़ती थी, जिसको नहर वाला रोड के नाम से जानते हैं आप सभी लोग, क्षेत्र की जनता उसी रोड। एक लोहिया पुल था जिसको हमारे जीते हमने बनाया, उसके बाद में जो 17 साल से नहर वाली रोड टूटी पड़ी थी उसको हमने बनाया, पुस्ता वाले रोड को जो कालंदी से लेके खड्डा कॉलोनी को जोड़ता है उसको बनाया। 17 18 साल से टूटे पड़े थे रोड। कुछ नेता अपने आगे सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं और विकास पुरुष लिखते हैं, तो विकास सिर्फ उनकी मांडी और पाली के फार्मों में दिखता था, क्षेत्र में नहीं दिखता था। 17 महीने के अंदर जो 17 साल पहले से टूटे पड़े थे रोड 17 महीने में क्यों बन जाते हैं? दूसरा, जाम दो दो घंटा लगता था, आज कहीं जाम लगता है क्या? आज जीके में जाम लगता है, आज कनाट प्लेस में जाम लगता है, नेहरू प्लेस में जाम लगता है, आश्रम में जाम लगता है, लेकिन बदरपुर में मीठापुर चौक पर और जैतपुर मोड़ पर जाम नहीं लगता है। क्या बदल दिया जी मैंने? सिर्फ ये दिमाग इसलिए यूज किया था, यहाँ मेरी आवाम रहती है इसने मुझे चुना है। मैं मांडी में नहीं रहता, मैं बदरपुर से 30 किलोमीटर दूर नहीं रहता, मैं बदरपुर में सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए नहीं आता। वो लोग बदरपुर में सिर्फ कंप्लेंट करते थे, उन्होंने बदरपुर में विकास नहीं किया, जाम मुक्त किया, रोडों की कनेक्टिविटी को ठीक किया, गरीब का बच्चा पढ़ सके उसके लिए 450 स्कूलों में कमरे बनाए, खड्डा कॉलोनी जैसे क्षेत्र में इन 21 सालों में उन नेताओं ने सिर्फ झूठ का नारियल फोड़ा था, एक स्कूल नहीं बना पाए वो, आज वहाँ स्कूल बन रहा है। अर्पण का नाला आपने देखा होगा जिसको आली ड्रेन कहते हैं, 30 या 40 साल या 50 साल पुराना नाला था, हमेशा कूड़े में आग लगी रहती थी, लोगों के घरों में पोल्यूशन धुआं जाता था। आज 2.5 साल में वो 3.5 किलोमीटर की दीवार 14 फुट नीचे से पिलर जाके वो दीवार बन रही है, क्या वो दिखाई नहीं दे रही उन नेताओं को? वर्तमान विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि रामवीर सिंह विधोरी भूमाफिया है और ब्लैकमेलर है, क्योंकि रामवीर जी के जी घोसला में आपने प्लॉटिंग करी थी, आप डीलर हैं, आप ब्लैकमेलर भी हैं, आपने पहले के जी घोसला को खाली करवाया, फिर उसमें प्लॉटिंग करवाई, आज आप जमुना में करा रहे हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप जाकर उस जगह पर आप करिए, अगर मेरा एक भी कार्यकर्ता है तो आज ही मैं उसको पार्टी से बेदखल करूंगा। सिर्फ झूठे ब्लेम लगाने से काम नहीं चलता जी, पुलिस किसके हाथ में? आज बीजेपी के हाथ में, तो कान नाक के नीचे आंख के नीचे अगर वहां प्लॉटिंग हो रही है, पुलिस क्या कर रही है? वैसे तो रात को 1 बजे अगर कोई लेंटर डाल रहा है अपनी खरीदी हुई जमीन पर, वहां पुलिस पहुंच जाती है। जमुना के अंदर कोई प्लॉटिंग कर रहा है तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच रही जी? वो किसके हाथ में है? दूसरी चीज, अगर आप 40 साल पुराने मकान को कोई बना रहा है वहां बिल्डोजर लेके चले जाते हैं, कोई जमुना में जमीन बेच रहा है और वहां कोई मकान बना रहा है, वहां बिल्डोजर क्यों नहीं भेजते जी? मतलब सारी पावर तो आपके हाथ में है, अगर फिर भी आप कहते हो कि मेरा कोई कार्यकर्ता है, अगर मेरा कोई कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया, पहली बात तो कोई है नहीं उसमें, जितने भी लोगों को अगर आप साक्ष्य ढूंढेंगे, क्योंकि खेती की या लैंड का जो धंधा किया है आज तक, आपको पता होगा एमजीएफ में इसमें बहुत बड़ी दलाली रामवीर सिंह विदूड़ी ने करी है, रामवीर विदूड़ी लैंड का बहुत बड़ा दलाल रहा है, ब्लैकमेलर रहा है। तो रामवीर विदूड़ी जी, ये सारा गेम आप करना चाहते हो, आप कर रहे हो और आपके गुर्गे कर रहे हैं। सोने की चेन जन्मदिन में किसने डाली थी आपके गले में? वो ही तो थे जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उसमें, जो शुभम गार्डन के अंदर आपके गले में जन्मदिन वाले दिन कुछ लोगों ने चेन भेंट करी थी आपके मामा के छोड़ा हो। आप किसी गफलत में मत रहिए, आप ना आप झूठ बोलते हो, आप बेईमान हो, ब्लैकमेलर हो। इसके संबंध में जब हमारे संवाददाता ने रामवीर सिंह विधोरी से जानने की कोशिश की तो रामवीर सिंह विधोरी ने दस्तावेज दिखाते हुए साफ किया
कि आज के एमएलए जो है नारायण दत्त शर्मा जिस ऑफिस पे बैठे हुए हैं उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, पहले वो उस ऑफिस को कब्जा से खाली करें फिर दूसरे पर आरोप लगाएं। रामवीर सिंह विधोड़ी के टाइम में गरीब आदमी जिसका प्लॉट खाली भी पड़ा रहता था वो चैन से सोता था, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था गरीब के प्लॉट के ऊपर कोई कब्जा कर ले। इस बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नारायण दत्त शर्मा जी सुनो, आज जितने स्कूल हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बरात घर बिजली घर जिनका निर्माण हुआ है रामवीर सिंह विधोड़ी के द्वारा, इन सब जमीनों के ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा था। एक एक जमीन रामवीर सिंह विधोड़ी ने खाली कराई। आप जाइए मोलेबंद एक्सटेंशन में लोगों को पूछिए, मैंने वहां प्राइमरी स्कूल के लिए और बरात घर के लिए पत्थर खा के जमीन खाली कराई, आज वहां प्राइमरी स्कूल बन गया, आज वहां बरात घर बन गया। मैंने ताजपुर पहाड़ी में जो तीन तीन बरात घर बनाए हैं वो भूमाफियाओं से खाली कराकर गाली खा के मैंने वो बनाए हैं। जहां इनका दफ्तर है इसके ऊपर भी कब्जा था, इस जमीन के ऊपर ये भी मैंने खाली करवाई। आप जाइए मीठापुर विस्तार में जहां प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, शानदार इमारत बनी हुई है, हजारों बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी मैंने भूमाफियाओं से खाली कराई थी। जो पंचायत घर जो बरात घर जिसमें डिस्पेंसरी भी है बरात घर भी है पहचान पत्र केंद्र भी है और स्टेडियम भी है, ये जमीन भी रामवीर सिंह विधोड़ी ने भूमाफियाओं से खाली कराई थी। गगन विहार जहां बरात घर बना हुआ है उसके ऊपर भी भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ था, वो भी मैंने खाली कराई थी। मीठापुर चौक जिसपे डिस्पेंसरी खुली हुई है और जिसपे राशन का दफ्तर है, ये भी मैंने पत्थर खा के गाली खा के ये मैंने खाली करा के इसके ऊपर बरात घर बनाया, जहां आज राशन का दफ्तर खुला हुआ है, जहां आज डिस्पेंसरी चल रही है, हजारों लोगों को मदद मिलती है। जो व्यक्ति सरकारी जमीनों पर जिन्होंने कब्जा किया हुआ था उस कब्जे को खाली कराए, तो इनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था, इनको तो मेरे पच्चीनों पर चलना चाहिए था। ये बताए ना जरा, ये इन्होंने कहीं क्या, इन्होंने तो केवल केवल सरकारी जमीनों के ऊपर, सरकारी जमीनों पर जो सरकार के भवन बने हुए हैं उनके ऊपर कब्जा करके दफ्तर खोला है क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी ऑफ सीमा चोरी। नारायण दत्त कौन सा पाप तुमने तीन साल में नहीं किया? आपको बताऊं मैं ये क्या काम करता था इससे पहले? जी बिल्कुल बताएं। ये उनको पूछना, ये आदमी पुल पहलादपुर के क्षेत्र में लालकुआ के क्षेत्र में ये पहले नकली बीड़ी और नकली तंबाकू उसका धंधा करता था और ये मथुरा के पास में इनके एक रिश्तेदार हैं वो एक कारोबार करते हैं, वहां से तंबाकू और बीड़ी, वो तंबाकू भी उसमें भी कई तरह की मिलावट थी। ये जो व्यक्ति विधायक बनने से पहले और जो ये धंधा करते थे इनके तंबाकू खाने से, इनकी वो जो बीड़ियां ये बेचते थे, सैकड़ों लोगों को टीबी हुई, कैंसर हुआ, ये कारोबार ये करते थे। आज विधायक बनने के बाद विकास का काम हो नहीं रहा। मैंने आपको बताया कि गरीबों का राशन बेचकर खा रहे हैं ब्लैक मार्केट में। मैंने आपको बताया एक टंकी वाली रोड पर विकास के काम शुरू किए, आप देख लीजिए दो साल से लोग कितने परेशान हैं। तो विकास का एक पाई पैसा ये क्षेत्र में कहीं खर्च नहीं कर पाए। बड़े नाले जो इनके अधीन है 15 नाले दिल्ली सरकार के जो मैंने बनाए थे जी, उनकी सफाई के लिए उनको 3 करोड़ रुपया मिला है, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। और आप मुझे बताओ, लोगों से पूछो, क्या किसी दिल्ली सरकार के एक भी नाले की सफाई इन्होंने कराई है? और जिस व्यक्ति ने, जिसको विकास के नायक कहा जाता है, जिसको बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला, जिसने इस इलाके की काया पलट दी, सारे विकास के काम तो मैंने आपको बताया ना मेरे द्वारा किए गए हैं, स्कूल हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बरात घर सीमेंटेड सड़कें डीटीसी की बस फ्लाई ओवर, ये दोनों आगरा कैनाल पर गुड़गांव कैनाल पर जो दो पुल बने, पहले तो छोटे छोटे दो पुल होते थे, ये भी रामवीर सिंह विधोड़ी ने बनवाए, ये बताए तो लोग जानते नहीं है क्या? सबको मालूम है लोगों को इस इलाके में, चाहे हर इंसान को जाना है। मैंने कम से कम इस इलाके में, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं चाहे मुसलमान भाई हैं, बड़ी शिकायत रहती थी कि साहब शमशान घाट की कमी है, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है, तो वो भी हमने उसकी व्यवस्था भी की,
उनका भी निर्माण करवाया। तो जो कुछ हम कर सकते थे, जबकि मेरी कहीं सरकार नहीं थी, मैं कभी कोई चेयरमैन नहीं रहा, श्री महेंद्र शर्मा जी की आज दिल्ली में सरकार है, वो चेयरमैन भी है और वो विधायक भी है। इन उतावलों के पीछे आप क्या मानते हैं? जो पांचों सीटें वो हारे हैं उसके बाद उनको घबराहट हो गई, उनको पता है कि अब दो साल के बाद असेंबली का चुनाव है। अब दो साल जब असेंबली के चुनाव के बचे हैं तो उनको चिंता हो रही है कि मैं दो साल के बाद फिर दोबारा से विधायक कैसे बनूं। तो वो अब सोचते हैं कि रामवीर सिंह विधूड़ी को मैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर मैं उनको जनता की नजरों में डैमेज कर दूंगा, कमजोर कर दूंगा। ये उनको गलत फहमी है। जो विकास की जो मैंने लकीर खींची है महेंद्र शर्मा जी, आपको उससे बड़ी विकास की लकीर खींचनी पड़ेगी मुझे कमजोर करने के लिए। आरोप लगा के रामवीर सिंह थोड़ी कमजोर नहीं होगा। श्री शुक्ला जी ने अनेकों बार इनकी सरकार से इनसे आग्रह किया कि देखिए साहब, क्षेत्र से अब कूड़ा बहुत निकलना, पहले तो सफाई नहीं होती थी, कूड़ा लोगों के घरों के बाहर पड़ा रहता था, अब जो सफाई हो रही है तो कूड़ा बहुत निकल रहा है, तो हमें कम से कम लैंड तुम्हारे पास है, हमें कम से कम 250-300 गज जमीन दिलवा दीजिए, जिससे कि हम वहां पर क्षेत्र के कूड़े को ले जाकर। कौन से लैंड है? हमने जब विधायक से ली है इंटरव्यू तो उसमें ये लैंड वाली भी बात आई है, जो एनटीपीसी ग्राउंड वाला कूड़ा वहां पे डाला जा रहा है। तो विधायक बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार के पास कौन सी लैंड है जिसके बारे में बताएं? अरे आपसे बता, मैं आपको बताऊं, जब वो लैंड अगर है नहीं, आप मुझे बताइए इस इलाके में फ्लड इरीगेशन की बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, इस इलाके में ग्राम सभा की जमीन खाली पड़ी हुई है, इनको नहीं दिखाई देती है? किस बात के विधायक है ये? और अभी जिस जैतपुर पार्ट टू में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन रहा है, आप जैतपुर विस्तार के पार्ट टू के लोगों से जाके पूछिए, ये जो कहता है कि ये उसको बनवा रहा है, 2013 में मेरे विधायक बनने से पहले मैंने उसका कोई झूठा सर लेता हूं, वो उस स्कूल की जो नींव है उसके लिए जो पैसा मंजूर किया था 2.5-3 करोड़ रुपया, उस समय की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित और विधायक मैं नहीं था, राम सिंह नेताजी थे जी। मतलब वो जो कार्य है उनके प्रयास से वो स्कूल बनने का काम शुरू हुआ था, और इसने विधायक बनने के बाद वो रोक दिया कि इसको 2-3 साल रोक के रखो, अगर ये अभी बन जाएगा तो इसका सिरे जो है ना, जो पूर्व विधायक है उनको जाएगा। आप मुझे बताइए, 3 साल अगर उसमें बच्चे हमारे पढ़ते तो उनको कितना लाभ मिलता जी? क्या इसने क्षेत्र के बच्चों को नुकसान किया? नहीं किया। या गगन विहार के सामने 1 एकड़ जमीन के ऊपर अस्पताल नहीं बनने दे रहा, क्या क्षेत्र का नुकसान है या नहीं है? ये बरातघर के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, क्या ये क्षेत्र के लोगों के साथ धोखाधड़ी और इनके पार्ट में बदमाशी नहीं है? और हम एलजी को मिले तो फिर एलजी साहब ने आदेश किया, उन्होंने कहा कि जमीन बताइए वहां, मैं कह साहब उसके सामने जमीन पड़ी हुई है, कहते ठीक है मैं आदेश देता हूं कि वहां पे हम और एक नया बरातघर बनाएंगे। इसके लिए हमारी पार्टी ने संघर्ष किया, हमारे काउंसलर्स ने, हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं उन्होंने किया, और हमने विपक्ष में रह के अभी जो 10 एकड़ जमीन पड़ी हुई है मीठापुर विस्तार में हरियाणा सरकार की, अब उस जमीन पर हम लोग जो है, हम जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हमारी जो बगल की सीट है फरीदाबाद से श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, वो भारत सरकार में मंत्री हैं, उनको मैं भी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे काउंसलर साहबान, हमारे एमपी साहब अनेकों बार मिले हैं, और उनको हम दो बार अपने क्षेत्र में लेके आए हैं, और उनकी कृपा से, उनके सहयोग से आज उस 10 एकड़ जमीन के ऊपर एक बढ़िया पार्क बन जाएगा मीठापुर विस्तार में, तो नहर पार्क के लिए एक अच्छा पार्क बन जाएगा। इस तरह मोरलबंद एक्सटेंशन में लगभग 1 एकड़ जमीन पड़ी हुई है हरियाणा सरकार की, उसके ऊपर एक बढ़िया पार्क बन जाएगा, उसके लिए उन्होंने पैसा उपलब्ध करा दिया है। तो हम लोग तो विपक्ष में रह के भी जहां हम, मान लो हरियाणा में हमारी पार्टी के एमपी हैं, हमारी पार्टी की सरकार है, तो हमने कहा कि हमने इस बात की चिंता नहीं करी कि अब हम विधायक नहीं है तो हम क्यों क्षेत्रीय विकास में रुचि लें, लेकिन हम नहीं भी हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारी वहां सरकार है, अगर हम कुछ अपने क्षेत्रवासियों के लिए, कुछ उनके उनके भलाई के लिए कोई काम कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। देखो, किसी ने कहा है ना, ना राजा रहा है ना रानी रही है, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी, जब मैं किसी की जिंदगानी रहेगी माटी सबकी कहानी कहेगी। महेंद्र शर्मा, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन माटी बोलेगी किसने क्या किया, क्षेत्र के लोग बताएंगे किसने क्षेत्र के लिए क्या किया है।
एमएलए नरेंद्र शर्मा ने कहा कि जब कभी हमारे क्षेत्र में कोई तोड़फोड़ वाले दस्ता आते हैं तो मैं खुद वहां जाता हूं और हमारे साथ क्षेत्र की जनता जुड़ी हुई है और हम उसे रुकवाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी की जो लहर थी या नरेंद्र शर्मा की जो लहर थी वो आज भी बरकरार है? देखिए जी, वो तो वक्त बता देता है। आम आदमी आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी है। अगर कोई किसी गफलत में हो, किसी ने राजनीति इच्छा के लिए पार्टी को पैदा नहीं किया। बहुत से नौजवान साथियों ने, अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ खो करके कुछ बनाया है और ये आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया। जहां पूरा आरएसएस लग रहा था, पूरा संघ लग रहा था, पूरा देश की बीजेपी लग रही थी, सारे मंत्री लगा रखे थे, सारे एमपी लगा रखे थे, उसके बाद भी बवाना जबड़े से खींच लाए बवाना की सीट को। ये दिखा दिया ना जी। जिसका जन्म आंदोलन से हुआ हो, जिसका जन्म भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों ने सपना देखा था, उस सपने के व्यवस्थाओं में से जन्म हुआ हो, उस आम आदमी पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता। और झूठ से, फरेब से, बेईमानी से ना नरेंद्र शर्मा खत्म हो सकता, ना अरविंद केजरीवाल खत्म हो सकता, ना आम आदमी पार्टी खत्म हो सकता। मुझसे लोग प्रेम करते हैं। जब नरेंद्र शर्मा कहीं जाता है ना, किसी का मकान टूटता है तो नरेंद्र शर्मा की पता चल जाती है, हजारों लोग पहुंच जाते हैं। नरेंद्र शर्मा को रामवीर सिंह बिधूड़ी के खिलाफ जो भी बोला है आज तक, उसी को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयत्न किया है उसने। लेकिन नरेंद्र शर्मा को खत्म करने के लिए ना, उसको दिख रही है कि नरेंद्र शर्मा के साथ आवाम खड़ी है। पहला विधायक है एक जिसने हर बार निगम के दस्ते को बेरंग लौटाया, उसने बल प्रयोग किया हो, वो अपनी छाती अड़ा के बिल्डोजर के सामने खड़ा हुआ हो। पहला विधायक है जिसको आज तक अरेस्ट नहीं कर पाई पुलिस, या करना नहीं चाहती, नहीं तो झूठे केसों में विधायकों को अंदर डाल दिया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम, हाँ हमारे विधायक होते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं डाला जा रहा? इसलिए नहीं डाला जा रहा, नरेंद्र शर्मा के साथ पूरा बदरपुर की जनता खड़ी है। और अगला चुनाव ना रामवीर जी मांडी से नहीं, इन गलियों में घूमना पड़ेगा। इसके जवाब में रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि एमएलए खुद चिट्ठी लिखकर एसटीएफ से कार्रवाई करवाते हैं, तोड़फोड़ करवाते हैं और जनता का सहानुभूति लेने तोड़फोड़ के सामने पहुंच जाते हैं। ये एक दिखावा है, वो काम नहीं करते, बस जनता का सहानुभूति लेना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि साहब इलाके में तोड़फोड़ हो रही है। रामवीर सिंह बिधूड़ी विधायक था अभी 2013-2014 में, मुझे बता दीजिए ना कि किसी का एक मकान टूटा हो, कोई सीलिंग हुई हो। और जब से ये विधायक बने हैं तब से इस इलाके में तोड़फोड़ शुरू हुई, सीलिंग शुरू हुई। और जब इलाके का विधायक जो है, अगर जब वो चिट्ठी लिखेगा अधिकारियों को कि फला जगह अवैध निर्माण हो रहा है, मैंने आपके साथ विजिट किया, तो आप उस अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई करिए। अब आप स्वयं शिकायत करके लोगों के मकान तोड़वा रहे हो, दुकान तोड़वा रहे हो, और आप आरोप लगाते हो दूसरे लोगों के ऊपर। रामवीर सिंह बिधूड़ी आज एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, काउंसलर नहीं है, मेरी दिल्ली में सरकार नहीं है, इनकी दिल्ली में सरकार है। तो आप मुझे बताइए, आप सब कुछ गलत काम करते हैं और आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं, यह कभी चलने वाला नहीं है। इसीलिए अभी हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, ये व्यक्ति कहता था कि अगर मैं लकड़ी को भी खड़ा करूंगा तो वो भी जीत जाएगी। अब पांचों के पांचों वार्ड में ये व्यक्ति, इसके उम्मीदवार चुनाव हार गए, चुनाव नहीं जीता पाया। तो लोगों ने उसका अभी नतीजा दिया है ना, हम लोग पांच में से चार हम जीते हैं, एक कांग्रेस पार्टी जीती है, ये तो एक भी नहीं जीता पाया। अगर इस व्यक्ति ने काम किया होता, इसके उम्मीदवार जरूर चुनाव जीतते। इनको मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के चक्कर में चुनाव जीत गए। मैंने इस क्षेत्र में दो बार 93 और 2003 में अपनी ताकत पर चुनाव जीता है। और ये विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता था, इसमें हरकेश नगर भी था, तेखंड भी था, इसमें मदनपुर खादर, सरिता विहार, ओखला, इसमें मदनपुर खादर पुनर्वास बस्ती, गौतमपुरी जैसी बस्तियां इसमें थी। बहुत बड़ा, कम से कम उस समय 9 वार्ड तब इस मदनपुर विधानसभा क्षेत्र में थे। तब मैंने अपनी ताकत पर दो बार जीता है। मैंने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र पहली बार भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद पहली बार 2013 में रामवीर सिंह बिधूड़ी को जब टिकट दिया तो मैं 14,000 वोट से जीत कर गया। मैंने 2007 में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने दो काउंसलर जिताए और टोटल वोट में हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र जीते। 2012 में
अगर रामवीर सिंह विधोड़ी ने विकास के काम नहीं किए होते तो आप मुझे बताइए, चार चार उम्मीदवार मेरा फोटो लगा के, मेरे उम्मीदवार थे 2012 में, चारों की चारों सीटें मैंने जीती, तुम तो पार्टी के टिकट पर एक सीट नहीं जीता पाए। और अब 2017 में मेरी पार्टी ने जो मुझे चार कैंडिडेट्स दिए तो वो चारों के चारों 5000 से लेके 6000 6500, और शुक्ला जी तो 6000 से ज्यादा वोटों से जीते, अनामिका जी 5000 वोट से ज्यादा जीती, श्रीमती बिरेंद्री अवाना जो है वो 5000 वोट के लगभग जीती, इसी तरह से श्री महेश लोहिया मोल्डमल से वो 5000 वोट के लगभग जीते। तो आप मुझे बताइए कि अगर इन्होंने काम किया होता तो जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार थे वो 5-5, 6-6 हजार वोट से क्यों जीतते और इनके उम्मीदवारों की जमानत क्यों जब्त होती, तो ये हमको बताना पड़ेगा। अब ये जो तोड़फोड़ की बात करते हैं, देखिए मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मुझे दिल्ली सरकार और भारत सरकार की कमेटी ने मुझे बेस्ट एमएलए के रूप में 2003-2004 में चुना है। पहली बार जब विधानसभा बनी, जगदीश मुखी जो उस समय मदनलाल खुराना जी की सरकार में, श्री साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार में जो मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला था। दूसरी बार श्री अजय माकन साहब शीला दीक्षित जी की सरकार में मंत्री थे, उनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला। और तीसरी बार मैं अपनी पार्टी का अकेला विधायक था, न कांग्रेस के किसी विधायक को मिला, रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी और बीजेपी जो है ना मेन अपोजिशन थी। और बेस्ट एमएलए का अवार्ड भारत की लोकसभा के स्पीकर माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी साहब ने किसको दिया? बदरपुर के सेवक रामवीर सिंह विधोड़ी को। मेरी पार्टी ने मुझे नहीं दिया, उसके लिए भारत सरकार और दिल्ली सरकार की कमेटी होती है, वो जांच पड़ताल करती है कि दिल्ली के अंदर 5 वर्षों में सबसे बेहतरीन विकास के कार्य और विधानसभा के अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसकी रही, इस आधार पे बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया जाता है। अब मुझे तो बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है, मुझे तो 2012 के चार वार्ड मैंने जीत के मुझे लोगों ने बेस्ट अवार्ड दिया है। तो ये बताए ना, अगर इन्होंने काम किया होता तो इनके 5 के 5 उम्मीदवार कैसे चुनाव हार गए। और आरोप ये है कि जो आपके खिलाफ बोलता है उसको आपसे ईर्ष्या के तहत दबाना। आप मुझे बता दीजिए, कोई एक व्यक्ति आज तक शिकायत कर दे मेरा विरोधी, अब कोई आदमी किसी को छुरी मार दे, किसी की दुकान पर कब्जा कर ले, तो आप मुझे बताइए फिर मुझे क्या करना चाहिए? बीइंग एरिया एमएलए तो क्या मुझे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो ऐसी कार्रवाई तो मैंने की है। अगर किसी गरीब ब्राह्मण की दुकान पर कोई कब्जा कर ले, उसको छुरी मार दे, तो फिर मैं जरूर प्रशासन को कहता हूँ, चाहे पुलिस मेरे अधीन नहीं थी, कि ऐसे लोगों को जरा जेल में भेजो जरा। तो ये काम तो मैं कभी कभी, जब गरीब के ऊपर कहीं जुल्म होता है तो फिर तो मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि गरीब के ऊपर जुल्म करने वाला आदमी, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, कितना भी धनवान हो, उसको नहीं बख्शूंगा। रामवीर सिंह विधोड़ी का कहना है कि ये ओजोन हमारे समय में नहीं बल्कि काफी पहले कांग्रेस के जमाने में लगा था, अगर मैं विधायक होता तो कब का ओजोन हटा दिया होता और क्षेत्रवासियों को तोड़फोड़ से निजात दिला दिया होता। जहां तक क्षेत्र के विकास की बात है, मैंने 11 साल तक बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी की और मेरा विधानसभा क्षेत्र 10 साल तक बहुत बड़ा था। उसमें बदरपुर विधानसभा के 4 वार्ड, 3 वार्ड ओखला विधानसभा क्षेत्र के थे, सरिता विहार, मदनपुर खादर पुनर्वास बस्ती और तुगलकाबाद के हरकेश नगर और तेखंड वार्ड, मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र था। इन 11 वर्षों में जहाँ तक विकास की बात है, अब मुझे नहीं मालूम आप दिल्ली में कब से आए हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि श्री नरेंद्र शर्मा जहाँ रहते हैं मुल्लबंद एक्सटेंशन में, मेरे विधायक बनने से पहले वो गलियाँ कच्ची होती थी, आज वो सीमेंटेड है। मेरे विधायक बनने से पहले वहाँ हैंडपंप का पानी नहीं था, आज वो मेरे द्वारा जो गंगा जल लाया गया वो गंगा जल पी रहे हैं। उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, एरिया इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन भी हम ही ने कराया। जहाँ उन्होंने अवैध रूप से जिस बरात के घर के ऊपर कब्जा करके अपना दफ्तर खोला हुआ है, ये भी मैंने ही बनाया जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो पहले तो मैं जहाँ वो रह रहे हैं उनकी मोलरबंद एक्सटेंशन की ही नहीं, पूरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी गली सीमेंटेड नहीं थी,
अगर मेरे विधायक बनने से पहले एक भी गली यदि सीमेंटेड थी, कम से कम छोटी बड़ी 7-8 हजार गलियां हैं जो मैंने सीमेंटेड की। पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए छोटी नाली और बड़े नाले बनाए। हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में भैंसा बुग्गी नहीं चल सकती थी, इस क्षेत्र में हम गंगा जल लेकर आए। इस क्षेत्र में हमने कम से कम 13 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले। हरकेश नगर में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला, तेखंड में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला, जसोला में खोला, सरितवार में खोला, मदनपुर खाद्य पुनर्वास बस्ती में दो खोले, इसी तरह गौतमपुरी में दो प्राइमरी स्कूल खोले, जनता फ्लैट बदरपुर में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला। और जो हमारे मदनपुर खादर बदरपुर और मोलडमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ पहले से कुछ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे थे, वहाँ भी हमने क्योंकि कुछ जमीन के ऊपर मोलरबंद एक्सटेंशन के मोलरबंद के स्कूल में कुछ भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ था, तो वो कब्जा हमने हटाया और हमने उन स्कूलों में भी कम से कम 4-4, 5-5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाए। हमारे मोलरबंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस की कॉमर्स की पढ़ाई नहीं थी, वो भी हम ही ने शुरू करवाई। तो मेरे समय में हजारों गलियां सीमेंटेड हुई, पानी के निकास की व्यवस्था हुई, बड़े नाले और नालियां बनी। मेरे समय में कम से कम 13 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले। मेरे समय में कम से कम 5 डिस्पेंसरी बनी। और मेरे समय में ही ये गौतमपुरी के बगल में आप जाके देखिए, जिसका अभी हाल ही में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया, ये भी 2004 में इस अस्पताल की नींव मैंने रखी थी। ये 200 बेड का हॉस्पिटल है। आज वहाँ गरीबों का, चाहे वो आयुर्वेदिक इलाज की बात हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, आज वो इलाज की व्यवस्था हमने की। मैंने भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा किया हुआ था गगन विहार के सामने, लगभग 1 एकड़ जमीन मैंने खाली करा के, और उस जमीन पर मैंने 100 बिस्तरों के अस्पताल की नींव रखी थी। मैं 2008 में चुनाव हार गया, वो आज तक उसका उस जमीन के ऊपर अस्पताल का निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ। और जो हमारे विधायक है वो नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि इसका श्रेय रामवीर सिंह भदूरी को जाएगा। केवल इस काम में लगे हुए हैं कि उनको कैसे मैं झूठा साबित करूं। मैंने उनकी सरकार से इस मामले में रिप्लाई मांगा RTI लगा के, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब आप मुझे बताइए, एक बड़ा अस्पताल हमने बनाया और एक अस्पताल की हमने नींव रखी जिसका निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने 4-4 बिजली के ग्रिड बनाए, जसोला में बनाया, मोहन कोऑपरेटिव में बनाया। ये जो अभी इन्होंने उद्घाटन किया है जिसका नाटक कर रहे थे, ये जमीन भी मैंने खाली करा के, सरकार की जमीन थी, और मैंने बिजली ग्रिड का काम शुरू किया था अपने समय में जब मैं विधायक था। इस इलाके में मैंने सभी जगह से, चाहे वो मोलरबंद एक्सटेंशन हो, चाहे वो ताजपुर गांव हो, चाहे वो जैतपुर गांव हो, चाहे मोलरबंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे मोलरबंद गांव हो, चाहे बदरपुर हो, सभी जगह से मैंने DTC की बसें चलाई थी। आज DTC की बसें बंद पड़ी हैं। अब आप मुझे बताइए, दिल्ली में इनकी सरकार है, DTC इनके अधीन है। अब अगर DTC की बसें बंद हो गई है तो उसके लिए किसका दोष है? अभी तक ये कहीं से भी एक DTC की बस भी नहीं चलवा पाए। हमने ट्रांसपोर्ट की बेहतर व्यवस्था की, हम बदरपुर तक मेट्रो लेकर आए, हमने बदरपुर का फ्लाईओवर बनाया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने जसोला में बनाया। इसके साथ साथ हमने लोगों की दिक्कत थी, जो लोग हमारे क्षेत्र से जाते थे ओखला फेज 1 फेज 2 में, हमने सरितवार के पास अंडरपास बनवाया जिसके ऊपर लगभग 150 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। हमारे जो क्षेत्र के लोग थे वो राशन कार्ड बनवाने के लिए कहाँ जाते थे? वो जाते थे ओखला फेज 2 में, रेलवे लाइन पार करके, कई बार एक्सीडेंट हो जाता था। ये जो राशन का दफ्तर है वो हमने मीठापुर चौक पर खोला, वहाँ डिस्पेंसरी भी है, हमने राशन का दफ्तर भी खोला। हमारे क्षेत्र में पहचान पत्र केंद्र नहीं था, साकेत जाना पड़ता था लोगों को। हमने मीठापुर विस्तार में जो बरातघर हमने बनाया है, उसमें बरातघर भी है, उसमें डिस्पेंसरी भी है, और उसमें हमने जो है पहचान पत्र केंद्र भी खोला। मैं तो ये कहूंगा, वो बार बार ना विकास पुरुष लिखता है, वो विनाश पुरुष है जी। आज वो जो उनकी जो तलवार से बदरपुर पर लटक रही है ना जी, मैं एक दिन आगरा चला गया किसी की तेरमी में, तो कुछ साथी कहने लगे कि
ताजमहल को देखते हैं, ताजमहल देखा नहीं है। अब वो आगरा का जब मैं ताजमहल देख रहा था, ताजमहल के बिल्कुल नीचे से जमुना जी बह रही है, तो मैं ताजमहल की तरफ देख रहा, फिर जमुना को देख रहा, मैंने कि शुक्र मना ताजमहल जी, या रामवीर सिंह बिधूड़ी नेता नहीं है बेटा, नहीं तू भी ओजोन में आ जाता, ओजोन आपने लगाया है, सारे काम आपने करें, मैं भगवान की भक्ति करता हूं और बदरपुर की जनता की सेवा करता हूं। जब तक मैं विधायक था ओजोन नहीं लगा था, ओजोन कब लगा है? ओजोन के लिए मैं आपको ये पढ़िए और उनको भी पढ़वाइए, विधायक श्री नरेंद्र शर्मा जी को, ये इसको आप ले जाइए, ये ओजोन लगा है, ये वीडियो ने जवाब दिया है। आप समझ लीजिए ओजोन कौन लगाता है, दिल्ली की सरकार रिकमेंड करती है और भारत सरकार का जो यूडी डिपार्टमेंट है वो उस पर अंतिम फैसला करता है। 2010 में मैं तो विधायक नहीं था, मेरी पार्टी की सरकार नहीं थी, मैं तो कांग्रेस में नहीं था, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। श्री राम सिंह नेताजी विधायक थे, श्री रमेश कुमार जी पार्लियामेंट के मेंबर थे। 10 अगस्त 2010 को लगा, यह जवाब है भारत सरकार का। तो आप मुझे बताइए, अगर विधायक जो है ये जो झूठ बोल रहे हैं, अगर मेरे समय में लगा है, अगर ये सच्चे इंसान है, अगर ये असूल सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं, अगर मेरे समय में ओजोन लगा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो इनको राजनीति से हट जाना चाहिए या इनको माफी मांगनी चाहिए और कभी भविष्य में झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। गगन विहार के सामने जो एक एकड़ जमीन के ऊपर जो अस्पताल की नींव रखवाई है, इनकी सरकार ने रिप्लाई दिया है। मैंने पूछा, क्या बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में गगन विहार कॉलोनी के सामने गांव मुलटबंद की ग्राम सभा की जमीन एक एकड़ पर वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक महिला व शिशु अस्पताल के निर्माण की नींव रखी थी? मैं 2008 में मैं विधायक था, दिल्ली सरकार ने जवाब दिया 100 बेड का अस्पताल, जिस जमीन के ऊपर भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ था हमने उसको खाली करवाया, लोगों ने हमको गालियां दी, लोगों ने हमको बुरा भला कहा, हमने उसकी चिंता नहीं करी। हम बिजली घर की जमीन भी खाली कराते हैं, हम जो अस्पताल की जमीन उसको भी खाली कराते हैं, उसके लिए अस्पताल के लिए पैसा भी हमने मंजूर कराया, और आज तक इनकी सरकार इस अस्पताल के निर्माण के कार्य को शुरू नहीं कर रही है। विधायक श्री नरेंद्र शर्मा इसको इसलिए रोक रहे हैं कि रामवीर सिंह बिधूड़ी को इसका श्रेय जाएगा। अब ये कागज भी मैं आपको दे रहा हूं, ये दिल्ली सरकार का रिप्लाई है, आप जरूर क्षेत्र के विधायक जी को दिखाएं। इस क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, एक भी बरातघर नहीं था। रामवीर सिंह बिधूड़ी के 11 साल में कम से कम 53 छोटे बड़े बरातघर पंचायत घर बने। इनका एक ये कहते, एक अपनी उपलब्धि बताते हैं ये कि आगरा कैनाल रोड इन्होंने बनाई है। आगरा कैनाल रोड 2007 में मैंने दिल्ली सरकार से लगभग 9 करोड़ रुपया दिलवाए थे और कालंदी कुंज से लेकर पल्ला तक मैंने ये कालंदी ये आगरा कैनाल रोड बनवाई थी, और ये विधायक बनने के बाद उस सड़क की मरम्मत नहीं करवा पाए। जो हरियाणा का क्षेत्र है वो तो श्री कृष्ण पाल जी ने बनवा दिया अपनी सरकार से, मैं जो ओखला विधानसभा क्षेत्र में जो हिस्सा आता है मदनपुर गांव के समीप, वो मेट्रो ने बनवाया, और केवल जो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का छोटा सा टुकड़ा बच गया था आगरा कैनाल का, ये बनवा नहीं पाए। हम लोग, हमारे जो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब के पास गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया कि उस सड़क से वो भी गुजरे हैं और उस सड़क की हालत बहुत खराब है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करके 13 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार से इस सड़क के निर्माण पर खर्च करवाया। ये उत्तर प्रदेश सरकार का रिप्लाई है कि ये सड़क उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई है और इसके ऊपर लगभग 13 करोड़ 51 लाख रुपया खर्चा हुआ है। ये जवाब उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। श्री नरेंद्र शर्मा जी की सरकार ने इस सड़क के निर्माण पर एक नया पैसा अगर खर्च किया है तो जो पेनल्टी आप मुझे कहेंगे और जो क्षेत्र की जनता कहेगी मैं दूंगा। मैं कभी किसी के ऊपर कभी झूठा आरोप लगाता नहीं। और वो मुझे कहते हैं मांडी में रहते हैं, हाँ हाँ आप देखो ना रहता हूं, मेरे बाप दादा क्या काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, यहाँ गाय भैंस पालते थे, मैं गाय भैंस पालता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए बगैर यूरिया के सब्जी उगाता हूँ,
मैं अपने परिवार के लोगों के लिए जो है ना, जो मैं चारा अपने गाय भैंसों को देता हूं उसमें कोई यूरिया का इस्तेमाल नहीं होता, उनको बेहतरीन दूध अपने परिवार के लिए उपलब्ध कराता हूं, और जो लोग मिलने आते हैं उनको भी दूध पिलाता हूं। और नरेंद्र जी से मैं कहना चाहता हूं कि वो भी कभी आए यहां और देखे खेती बाड़ी कैसे होती है, गाय भैंसों की सेवा कैसे होती है, तो मैं उनको दूध भी पिलाऊंगा और मैं उनको बगैर यूरिया के सब्जी भी खिलाऊंगा, उनकी सेहत ठीक रहेगी। आपने देखा किस प्रकार दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, हमने कोशिश किया इसमें से जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचाए। ये बात बिल्कुल सत्य लग रहा है कि वर्तमान विधायक पूर्व विधायक पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपना काम करने में वो कोताही बरत रहे हैं, क्योंकि काम करने के लिए यहाँ के लोगों ने उन्हें जिताया है, ना कि किसी और पर आरोप लगाने के लिए। आप काम करेंगे तो जनता आपको सर आंखों पर बिठाएगी। ये थी आज का स्पेशल रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप देश दुनिया के सभी खबरों से अपडेट रह सकें।